स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत बुधवार को जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की टीम ने मेडिकल कॉलेज रोड स्थित एचएन सिंह चौराहा और गोरखनाथ मंदिर रोड के लस्सीपुर के समीप रहने वाले बसफोड़वा समाज के लोगों से संपर्क किया और उनके बच्चों को स्कूल भेजने का आग्रह किया। इस मौके पर बीएसए बीएन सिंह ने बच्चों को बताया कि स्कूल में आने से तुम लोगों को शिक्षा के साथ स्कूल बैग, भोजन, कॉपी, किताब, जूता, मोजा, स्वेटर सभी मुफ्त में मिलेगा। स्कूल से आने के बाद तुम लोग घर का भी काम कर सकते हो, जिस पर बच्चों तथा उनके अभिभावकों ने अपनी सहमति जताते हुए स्कूल जाने की बात कही। आपको बताते चले कि बसफोड़वा समाज के लोग सड़कों के किनारे बांस से उपयोगी सामान बनाते हैं और उसी को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। समाज से पूरी तरह वंचित इन लोगों के बच्चों को शिक्षित बनाने का संकल्प वैश्विक शिक्षा विभाग ने लिया है। इस दौरान पर खंड शिक्षा अधिकारी ब्रह्मचारी शर्मा, अरुण प्रताप सिंह, डीसी रमाशंकर यादव, सुनील कुमार चतुर्वेदी, शिक्षिका सुधा राय, नीतू सिंह, प्रीति पांडे मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बच्चों के अभिभावक छात्र शिक्षिका और बीएसए बीएन सिंह ने बताया। बैग मिली, कापी किताब मिली, दोपहर में खाना मिली, रूट मिली, फल मिली, रोज जाएगी बिना ब्याज के ना चला मिलता है। बोले जाए क्या होने का गोर भेजे तो रोज जाएगी तो भी नहीं जबरदस्ती अगर ये लोग कहेंगे नहीं जा ही काम करो नहीं हमें पूरे शहर में अपने बाप जाप काम करो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक उठ के जाए तो नहा कहेंगे जी अंग्रेजी को दुनिया पढ़ाओ नहीं बेटा ये पढ़ाओ नहीं चलो भेजेंगे लड़का के भेजेंगे पढ़े जो हम काम करे हमें हमारा लड़का न करे पढ़ कुछ पढ़े लिखे कादे से रहे अब हमें लगता बढ़िया हाँ पढ़े भेजेंगे जाएंगे पढ़ने जाएंगे जाएंगे त्यौहार पर बड़ा आदमी बनेंगे पढ़ने भेजेंगे बड़ मने बन जाए नौकरी चौकरी लग जाए बहुत दिक्कत हो रहा है हमने के लिए रोज जाना बैठाना बास के काम करना बिकाए तो खाएंगे नहीं बिकाएंगे नहीं खाएंगे अब ये बच्चे में पढ़ रहे कम से कम निश्चित 100% हम यही प्रणय पहला नहीं है हम लोग उधर भी बच्चों का एडमिशन किए थे और जो ऐसे दरवाजे दरवाजे भीख मांगते वो बच्चे पढ़ने लगे और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये तो मेरे रास्ते में है ये तो उससे भी बेहतर करेंगे आप देखिएगा खुद देखिएगा एक महीने बाद आइए कि देखिएगा बच्चों का रूप बदला हुआ नजर आएगा जब यूनिफॉर्म पहनेंगे तब इनको देखिएगा आप कैसे पहनेंगे अब तो डेस्क बेंच भी दे दिया आपने माननीय मुख्यमंत्री ने अब तो और इनका अब जूता मोजा पहने के नीचे नहीं उतारना पड़ेगा आराम से बैठेंगे सुंदर लगेंगे आप स्कूल एक महीने बाद आइएगा मेरे स्कूल पे फिर देखिएगा और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ
गलती होगी सर, मुझे जो जानते हैं वो जानते हैं कि सुधारा कैसा काम करती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो मेरी विद्यालय पहुंचता वो देखता है कि हम कैसा काम करते हैं, बस। अब मैं क्या इस पे बताऊं कि मैं क्या करती हूँ, स्कूल पे आई देखिए कि बच्चे मेरे कैसे हैं। हमारे यहाँ नो बैग डे होता है, हर सैटरडे बच्चे जो है क्या क्या बनाते हैं वो खुल के आता है। हम लोग का व्हाट्सअप ग्रुप है, हमारे अधिकारियों को ग्रुप में जाता है, जितनी भी जागरूकता जो भी कार्यक्रम होता है, इनसे फ्लाटी जागरूकता रैली अपने माननीय मुख्यमंत्री ने दस्तक अभियान का किया था शुरुआत, हर कार्यक्रम में करती हूँ, हर कार्यक्रम में करती हूँ मैं, यहाँ होता है ये जान लीजिए। हम लोग वैसे वाले टीचर नहीं कि स्कूल गए और बात की और चले आए, हमारे यहाँ काम होता है। और जो मुझे जानते हैं, हमने अभी BSA सर से FB पे हमारा एक पेज, मैं उससे भी जुड़ गई हूँ, मैं खुद ने मैंने कहा कि सर आप जुड़िए और जानिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। स्कूल चलो अभियान रैली है और इसमें हम उन बच्चों को इस समय छुट्टियों में संपर्क करें जो बिल्कुल हमारी मुख्य धारा से कटे हुए हैं, स्कूल ये बच्चे जाते ही नहीं हैं, इसी मुहिम में हम लगे हुए हैं। और अभी तक हमको जो हमने सफलता अर्जित की है, 100 बच्चों का एडमिशन मेरे द्वारा अगल बगल के विद्यालयों में किया जा रहा है। ये बच्चे कभी भी विद्यालय नहीं जाते हैं, तो एक मुहिम पांडे जी, अमित प्रकाश पांडे जी NGO चलाते हैं, उनके सहयोग से हमारी पूरी टीम लगी हुई है जो कि बच्चों से संपर्क कर रहे हैं हम लोग, उनके घर घर जा कर के उनके गार्जियन से, और प्रेरित कर रहे हैं कि स्कूलों में जाएं। और उस मुहिम में हमारे 10 बच्चियों का एडमिशन मेरे द्वारा कस्तूरबा में कराया गया और लगभग 90 बच्चे विभिन्न विद्यालयों में एडमिशन कराए गए हैं। इसमें जो हमको सहयोग दे हमारी टीम है, नगर शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार हैं, हमारे DC लोग हैं चौबे जी, यादव जी, और स्कूल स्टाफ है। और मुझे उम्मीद है कि ये मुहिम हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक एक बच्चा छूटता नहीं चला जाता है, और पूरा विश्वास है कि हर बच्चा स्कूल जाएगा। इसमें प्रशासन का, DM साहब का, CDO साहब का विशेष योगदान मिल रहा है, उनके प्रेरणा से, उनके सहयोग से ये मुहिम सफल हो रही है। हाँ, चूँकि प्रायः ये होता है, हम आज तो आ गए लेकिन फिर वो छूट जाता है, लेकिन इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई है कि हमारे DC हैं, हमारे टीचर्स लगभग इन्हीं रास्तों से जाते हैं, तो हमने अपने टीचर्स को भी हिदायत दिया है, आप सुबह जब जाते हो तो अपने मोटरसाइकिल को रोकिए, जिस ही साधन से जाते हैं इनके गार्जियन संपर्क करिए, चलो बच्चों उनको चलाते हुए चले हैं। साथ ही साथ हमारे DC हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, ये हफ्ते में मैं रूटीन बना दिया हूँ कि एक एक दिन आकर के वो देखें कि विद्यालय में बच्चे पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, इनके गार्जियन से संपर्क करेंगे। साथ साथ मैं स्वयं व्यक्तिगत से मैं जब भी इधर से गुजरा, न भी गुजरा, तभी एक एक दिन सुबह निकला 8 बजे 7:30 बजे इन मलिन बस्तियों में जाऊंगा और उनको स्कूल की तरफ भेजने के लिए प्रेरित करूंगा। क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं इन बच्चों तक अगर वो पहुँच जाए तो बहुत अधिक उल्टी हो सकती है, जैसे 2 ड्रेस है, भोजन है, MDM वाला जूता मोजा है, बैग है, पाठ्यपुस्तक है, आर्थिक भार तो उनका ऐसे ही कम हो जाएगा। नहीं, पूरी जानकारी दे रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जुलाई लास्ट में जब हमसे मिलेंगे तो बदला हुआ रूप बिल्कुल मिलेगा।